वेलकम बैक गाइस। अगर यार तुम लोग भी मेरी तरह एक सच्चे पोकेमॉन फैन हो, तुम लोग को पोकेमॉन से एकदम प्यार है, तो सब लोग को यार पोकेमॉन की अबिलिटीज के बारे में पता होगा कि हर पोकेमॉन के पास अबिलिटी होती है, जो कि एनिमे के अंदर तो हमको उतनी नहीं दिखाई जाती, लेकिन गेम्स वगैरह के अंदर हमको उनका यूज पता चलता है और पता चलता है कि भाई अच्छी है कि बेकार है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में तुम लोग को दोनों ही टाइप की अबिलिटीज के बारे में बताऊं, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग टॉप 6 बेस्ट अबिलिटीज के बारे में जानेंगे, उसी के साथ में टॉप 6 वर्स्ट अबिलिटी के बारे में जानेंगे, यानी कि पहले एक बार बेस्ट के बारे में बात करेंगे फिर वर्स्ट के बारे में। वीडियो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तुमको काफी मजा आएगा, एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, तो पहले स्टार्ट करते हैं अच्छी एबिलिटी के साथ में, बेस्ट एबिलिटी के साथ में, फिर बात करेंगे वर्स्ट एबिलिटी। तो यहाँ पे नंबर वन पे आती है सिंड्रेस की एबिलिटी। ये एबिलिटी भाई सिंड्रेस और उसकी पूरी एवोल्यूशन लाइन के पास है, जिसका नाम है लिब्रो। इस एबिलिटी से बेसिकली क्या होता है कि भाई सिंड्रेस पोकेमॉन जिस भी टाइप का कोई मूव यूज करने वाला होगा ना, वही वाली टाइपिंग सिंड्रेस की हो जाएगी उस मूव को यूज करने से पहले ही। मतलब मान लो सिंड्रेस अब एक फ्लाइंग टाइप का मूव यूज करने वाला है, बाउंस अटैक, बाय द वे वो फ्लाइंग टाइप का मूव सीख सकता है, तो हाँ, तो उसकी टाइपिंग फ्लाइंग टाइप हो जाएगी उस मूव को यूज करने से पहले ही। तो ये काफी सही है यार, मतलब सामने वाला पोकेमॉन काफी मुश्किल से यार सुपर अफेक्टिव मूव दे पाएगा यार ये सिंड्रेस पोकेमॉन पे, तो मतलब काफी अच्छी एबिलिटी है देखा जाए तो। और सिंड्रेस एक्चुअली में काफी अलग अलग टाइप के मूव सीख सकता है, तो उसके लिए एबिलिटी बहुत ज्यादा काम की है और उसको बैटल में काफी अच्छे से बचा सकती है। बात करते हैं वर्स्ट एबिलिटी की, तो वो रहेगी कैक्लियन की कलर चेंज एबिलिटी। ये कैक्लियन की सिग्नेचर एबिलिटी है, सिर्फ कैक्लियन इसको सीख सकता है, और तुम और ये एक्चुअली भाई सिंड्रेस की एबिलिटी का उल्टा है तुम कह सकते हो। मतलब यार कैक्लियन पोकेमॉन को बैटल में जिस भी टाइप का मूव हिट करेगा ना, वो उसी टाइप का बन जाएगा। मतलब अगर अपोनेंट ने भाई वाटर टाइप का मूव यूज किया तो कैक्लियन वाटर टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। अब देखो अगर हम सिंड्रेस की तरह अपनी मर्जी से टाइप चेंज कर पा रहे हैं तो ये अच्छा है एक तरह से, लेकिन अगर हम कैक्लियन की तरह सामने वाले पोकेमॉन की वजह से अपनी टाइपिंग चेंज करें तो ये उल्टा बेकार है, क्योंकि भाई अपोनेंट इसका फायदा उठा के अपनी मर्जी से कैक्लियन की टाइपिंग चेंज करवा के उसको यूज कर सकता है, उसको जल्दी से मार सकता है सुपर इफेक्टिव मूव की मदद से, तो ये एक्चुअली भाई मतलब बेकार एबिलिटी है। नंबर टू पे जो बेस्ट एबिलिटी आती है वो है केंगेस खान की पेरेंटल बॉन्ड एबिलिटी। ये भाई उसको सिर्फ और सिर्फ मेगा एवोल्यूशन वाले फॉर्म में मिलती है ये एबिलिटी, और इसमें क्या होता है कि जो केंगेस खान का बच्चा है वो उसके पाउच से निकल के लड़ने लग जाता है, यानी कि भाई केंगेस खान तो तुम्हें मारेगा ही मारेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका बच्चा भी मारेगा और उसके बच्चे के मूव भी क्रिटिकल हिट लग सकते हैं, तो डेफिनेटली भाई मेगा एवोल्यूशन में आने के बाद ये बीस्ट पोकेमॉन बन जाता है बहुत ज्यादा ही। और डेफिनेटली यार ये बहुत यूजफुल और बहुत अच्छी एबिलिटी है, क्योंकि तुम सामने वाले पोकेमॉन पर डबल मूव मारोगे लेकिन सामने वाला पोकेमॉन सिर्फ एक मूव मार पाएगा, तो काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। और यहाँ पे वर्स्ट एबिलिटी आती है बॉल फेच एबिलिटी, जो कि यार यैम्पर की सिग्नेचर एबिलिटी है। ये एबिलिटी क्या करती है, जैसे अगर तुम एक वाइल्ड पोकेमॉन को अब कैच कर रहे हो और तुमने पोकेबॉल फेंकी लेकिन वो पोकेमॉन नहीं पकड़ में आया, यानी कि तुम्हारी पोकेबॉल ऑब्वियसली वेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास यैम्पर पोकेमॉन है और यैम्पर ने कुछ भी आइटम नहीं होल्ड कर रखा तो यार वो उस पोकेबॉल को होल्ड कर लेगा, यानी कि वो पोकेबॉल वेस्ट नहीं होगी, इसके पास आ जाएगी, जिससे तुम्हारा थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। लेकिन इससे फायदा ही क्या होगा भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है, सिर्फ पहली बार तभी जाके ये पोकेबॉल पकड़ेगा, फिर बाद में काम नहीं आएगी, तो यार इसका मतलब ही क्या है, वैसे भी पोकेबॉल कौन सी इतनी महंगी होती है, तो एक टाइप से काफ़ी यूजलेस एबिलिटी है ये। नंबर थ्री पे आती है एजी स्लैश पोकेमॉन की स्टैंड चेंज एबिलिटी। इससे बेसिकली क्या होता है कि भाई एजी स्लैश पोकेमॉन के पास ना दो फॉर्म आ जाते हैं, एक डिफेंस और एक अटैक फॉर्म, और बैटल में ये पहले डिफेंस फॉर्म में रहता है, लेकिन फिर जैसे ये एक अटैक यूज करता है तो भाई ये अटैक फॉर्म में आ जाता है। डिफेंस फॉर्म में इसके डिफेंस बहुत हाई रहते हैं और अटैक फॉर्म में अटैक बहुत हाई रहता है, तो ये एक्चुअली ऐसे बैटल में भाई कभी अटैक फॉर्म में जा सकता है, कभी डिफेंस फॉर्म में, मतलब जब इसको जो भाई जिस चीज़ की जरूरत है जिस फॉर्म की उसमें जा सकता है, तो काफ़ी फायदेमंद एबिलिटी है। जब इसको डिफेंस चाहिए डिफेंस फॉर्म में आ जाओ, जब अटैक चाहिए अटैक फॉर्म में आ जाओ, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। यहाँ पे वर्स्ट एबिलिटी आती है सेबलाई की स्टॉल एबिलिटी। इस एबिलिटी की वजह से क्या होता है कि यार सेबलाई हमेशा अपना मूव जो है ना वो लास्ट में करेगा, यानी कि सामने वाले पोकेमॉन पहले मूव यूज करेगा फिर सेबलाई सेकंड नंबर पे यूज करेगा, जो कि यार एक एक्चुअली बेकार चीज़ है, क्योंकि हमेशा यार स्पीड मैटर करती है बैटल में, काफ़ी ज़रूरी होती है स्पीड ताकि यार पोकेमॉन फर्स्ट मूव यूज़ कर पाए, लेकिन भाई इसकी एबिलिटी की वजह से इसका मूव हमेशा लास्ट में ही लगता है। नंबर फोर पे जो हमारी बेस्ट एबिलिटी आती है वो है मैरीन पोकेमॉन की मर्सीलेस एबिलिटी। इस एबिलिटी की वजह से क्या होता है कि भाई अगर अपोनेंट पोकेमॉन जो है जो कि मैरीन से लड़ रहा है वो पोकेमॉन अगर पॉइजन हो गया, सबको पता होगा बैटल में पॉइजन हो जाते हैं पोकेमॉन, अगर तो सामने वाला पोकेमॉन पॉइजन है ना, तो मैरीन पोकेमॉन के सारे अटैक्स क्रिटिकल हिट उसको लगेंगे, यानी कि वो बहुत ईजिली मर जाएगा भाई बैटल में। और यार वैसे भी मैरीन पोकेमॉन के लिए किसी पोकेमॉन को पॉइजन करना कोई आम सी बात है भाई, आराम से ये कर सकती है, इसके पास टॉक्सिक वगैरह ऐसे मूव्स हैं जिनसे ये अपोनेंट पोकेमॉन को आराम से पॉइजन कर देगी, उसके बाद भाई फिर सारे इसके अटैक्स क्रिटिकल हिट लगेंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल एबिलिटी है। नंबर फाइव पे जो वर्स्ट एबिलिटी आती है वो रहेगी भाई डेलगेटी और स्किटी पोकेमॉन की नॉर्मलाइज एबिलिटी। अब यार वैसे ये दोनों पोकेमॉन बैटल में इतने कुछ खास नहीं होते, बैटल के लिए तुम कह सकते हो वन ऑफ द वर्स्ट पोकेमॉन है, लेकिन इनकी एबिलिटी इनको और बेकार बना देती है।
नॉर्मलाइज एबिलिटी की वजह से क्या होता है कि भाई पोकेमॉन के जो सारे मूव्स है ना, सारे के सारे नॉर्मल टाइप के बन जाएंगे। अब नॉर्मल टाइपिंग वैसे डिफेंसिवली अच्छी टाइपिंग है, डिफेंस के लिए अच्छी टाइपिंग है, लेकिन यार अटैक के लिए ये कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बकवास है, क्योंकि यार ये किसी पर भी सुपर इफेक्टिव मूव कर ही नहीं सकती, तो काफ़ी बेकार एबिलिटी है भाई ये। और नंबर 5 पे जो अच्छी वाली बेस्ट एबिलिटी आती है वो रहेगी भाई मर्ज़रे और मर्ज़रेल पोकेमॉन की एबिलिटी, जिसका नाम है स्टैमिना। इस एबिलिटी की वजह से क्या होता है कि भाई सामने वाला पोकेमॉन जब भी मर्ज़रे या मर्ज़रेल इन पोकेमॉन्स को हिट करेगा, कोई भी अटैक इन पे करेगा, तो यार इसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी और इसकी वजह से इसका डिफेंस बढ़ जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा तुम कह सकते हो इसका डिफेंस। और यार अगर कोई ऐसा मूव यूज़ किया जाए, फरी स्वाइप्स तुमको पता होगा जो कि भाई 3-4 बार ऐसे डैमेज करता है, अगर ऐसा मूव किया जाए तो भाई इस पे जैसे जैसे एक एक हिट लगेगा इसका डिफेंस बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली इस एबिलिटी से क्या होता है, जब भी इसको एक अटैक लगेगा इसका डिफेंस बढ़ता ही जाएगा, जो कि यार काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, इससे इसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो डेफिनेटली यार बैटल में इनको हराना मतलब बहुत ही हार्ड होगा, क्योंकि भाई जब तुम भाई इन पोकेमॉन्स को मारोगे तो इनका तो डिफेंस भी बढ़ेगा लगने के साथ साथ अटैक, लेकिन ये जब तुमको मारेंगे तुम्हारा तो भाई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एचपी कम होगी, तो एक तरह से भाई काफ़ी यूजफुल एबिलिटी है ये। नंबर 6 पे पहले जो बेस्ट एबिलिटी आती है वो रहेगी भाई यमास की मम्मी एबिलिटी। ये यार सिर्फ और सिर्फ यमास की एबिलिटी है, यानी कि इसकी सिग्नेचर एबिलिटी है, सिर्फ इसी के पास रहती है ये। इस एबिलिटी की वजह से क्या होता है, अगर ओपोनेंट पोकेमॉन यार यमास पे एक ऐसा मूव यूज़ करे जिससे कि भाई वो यमास को टच कर रहा है, यानी कि उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो यार इस एबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है कि अपोनेंट पोकेमॉन की जो एबिलिटी है ना वो बिल्कुल हट जाएगी, एक टाइप से इरेज हो जाएगी, और यार यमास की जो एबिलिटी है मम्मी वो उनके पास चली जाएगी एबिलिटी। अब यार अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये एबिलिटी बेस्ट कैसे है, इतनी यूजफुल कैसे है, तो बता दूं, देखो अगर तुम्हारे सामने मतलब यमास्क तुम्हारा बैटल में है, उसके सामने भाई एक पोकेमॉन आया है जिसके पास एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और उस एबिलिटी की वजह से तुम काफ़ी बड़ी डोमिनेट हो रहे हो तुम्हारा पोकेमॉन, तो तुम लोग इस एबिलिटी की वजह से सामने वाले पोकेमॉन की अच्छी एबिलिटी को हटा सकते हो, जो कि काफ़ी यूजफुल चीज़ है भाई। पता नहीं भाई कितनी बार एबिलिटी एबिलिटी बोल दिया है मैंने, बट जो भी हो काफ़ी यूजफुल एबिलिटी है, इसीलिए भाई मैंने इसको इंक्लूड किया है। और नंबर 6 पे जो वर्स्ट एबिलिटी आती है वो रहेगी भाई रेजिगिगास की स्लो स्टार्ट एबिलिटी। ये एबिलिटी भाई अपने बकवास होने की वजह से काफ़ी पॉपुलर है, तो तुमने शायद इसके बारे में सुना होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि रेजिगिगास पोकेमॉन अगर बैटल में है ना, तो शुरू के 5 बारी के लिए रेजिगिगास के जो सारे स्टैट्स हैं ना वो हाफ हो जाएंगे, जो कि यार काफ़ी बेकार चीज़ है। हालांकि 5 टर्न होने के बाद फिर भाई एकदम बीस्ट बन जाता है, लेकिन इस एबिलिटी का फ़ायदा क्या है यार, क्योंकि आराम से कोई भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन निकाल के इसको 5 टर्न में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि भाई सब इसका कम हो जाता है, तो यार आराम से कोई भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन से इसको 5 टर्न से पहले ही मार देगा, तो यार इसकी एबिलिटी यूज़ में ही क्या आएगी, तो वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस एबिलिटी है भाई ये। वेल होपफुली तुमको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक कर देना, एम करते हैं 8000 लाइक्स के लिए। चैनल पर नए हो, पोकेमॉन कंटेंट पसंद है तो यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से इस चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि तुमको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यार बाय द वे कमेंट में बताओ तुम लोगों ने न्यू ईयर के पहले दिन पे भाई क्या किया है, और बाकी मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।